भाई साहब मेरा कृष्ण सोनी है और मैं थेड सेक्टर 19 पर का वासी हूँ। सेक्टर पे जो थेड वाले आए हुए ना सेक्टर 19 में, वहाँ का वासी हूँ। भाई साहब हमारे को है ना वहाँ से उजाड़ के और यहाँ बिठा दिया। सिर्फ एक महीने का हमारे को टारगेट दिया था कि तुम्हारे को एक महीने में पुनर्वास करेंगे और है ना जितनी आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी आपको मुहैया करेंगे। लेकिन आज 6 साल हो गए, हमारी सीवरेज इतनी ब्लॉकेज बढ़ी है। प्लाट देने की तो हमारे को बहुत दूर की बात है, हमारी सीवरेज की जो हालत है ना वो आप जाके देखोगे इतनी बुरी है कि आप है ना वहाँ बैठ के पानी नहीं पी सकते। और पीने का जो पानी है ना वो सीवरेज के अंदर मिक्स हो रहा है, सीवरेज वाला जो पानी है वो हमारे पीने वाले पानी मिक्स हो रहा है। पानी के अंदर कीड़े आ रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम इतने परेशान हैं कि सोचते हैं आत्महत्या कर लें। और अगर हमारी सरकार ने नहीं सुनी ना तो हम अगले हफ्ते आत्महत्या करेंगे 2-4 दिन। नहीं, अब आपने किसान चौक पे रोड जाम किया है। हमने किसान चौक पे 1 घंटे का धरना लगाया है, 1 घंटे के बाद हम डीजी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर डीजी साहब हमारी सुनते हैं तो ठीक है, नहीं अगले हफ्ते फिर हम पूरा रोड जाम करेंगे। अगर डीजी साहब हमारी नहीं सुनेंगे तो हम जल्दी हम एकजुट होकर के हम दोबारा से रोड जाम करेंगे। नहीं, हम धरना प्रदर्शन पे वहाँ परमानेंट बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे डीसी महोदय के नीचे स्तर पर, ठीक है? क्योंकि 6 सालों से हम इस गंदगी में पड़े हैं। सीवरेज के जो कनेक्शन है वो लाइन जोड़ी नहीं हुई है, वो बाहर आउट लाइन जोड़ने के ना कारण से 6 सालों से सीवरेज का पानी वहीं ब्लॉक होने के कारण वहीं नीचे मर रहा है, जिसके कारण कि अभी मौजूदा हालात वहाँ के ये बन गए हैं। वहाँ पे 2-2 फुट तक गार जमी हुई है, गंदगी सीवरेज से बाहर निकले 2-2 फुट ऊपर तक जमी हुई है। और आप लोग मीडिया कर्म इस बात से अवगत हो, आप बहुत बार हमारे वहाँ पे आए हो, आपके माध्यम से मैंने सरकार तक कई बार ये बात पूछाई है, लेकिन ना जाने कैसी सरकार है, कौन सी नींद में सो रही है जो जागने को तैयार ही नहीं है। अरे ये लोग इंसान नहीं है क्या? क्यों नहीं समझते आप इनकी? क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रही? कुंभकर्ण का भी कोई समय होता था, वो जागता था किसी समय पर। और सरकार तो ऐसी आंखों से बुद्धि आंखों से अंधी हो चुकी है और बुद्धि से हीन हो चुकी है, जो उसको समझ ही नहीं आ रही है कि लोग किस प्रकार से समस्या में जूझ रहे हैं। मैंने इस प्रकार का दुर्व्यवहार तो पाकिस्तान के लोगों के साथ भी नहीं देखा। जब कोई दुश्मन राज्य देश से हमारे देश में आते हैं उसके साथ भी ऐसा नहीं देखा। या कोई रैली करनी होती है तब भाग भाग के आते हैं सरकार वाले, भाग भाग के। मेरी बात सुनो, इन 6 सालों के दायरों में आप जितनी बार कहोगे 10 बार 15 बार, कम से कम 150 बार का मेरे पास रिकॉर्ड है। सीएम विंडो में ऑनलाइन दरखास्तें दे चुका हूँ, जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। जब भी आप लोग कहोगे मैं उतनी बार का सबूत पेश करने को तैयार हूँ। 2022, 2017, 2018, 2019, 2020 मेरे पास सभी सालों का सालाना मेरे पास रिकॉर्ड है। उपायुक्त महोदय के पास मैं इन समस्याओं के लिए कई बार गया हूँ। वो लोग कहते हैं, मेन मुद्दा बता रहा हूं यार, वो लोग कहते हैं पुरातत्व विभाग करेगा आपका समस्या का समाधान। पुरातत्व विभाग कहता है हरियाणा सरकार के विचार दिन है। अरे सरकार सो रही है क्या? कर क्या रही है सरकार? समझ नहीं आ रही। बात ये है, अगर हमारे को है ना, सुन यार सुन, अगर हमारे को एक हफ्ते में कोई पोनी मिलाना रिजल्ट नहीं मिला तो हम रोड जाम करेंगे अगले हफ्ते पक्का। एक संडे को, इस संडे को हम रोड जाम करेंगे सारे भाई इकट्ठे होके। अगर सरकार चेतती है तो अच्छी बात है, नहीं चेत। और हमारे को ना तो पानी चाहिए, ना हमारे को सीवरेज चाहिए, ना हमारे को लाइट चाहिए, हमारे को चाहिए हमारे प्लाट, हमारे को हमारे मकान चाहिए, और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। और चाहिए भी हमारे को है ना इस, और चाहिए भी हमारे को अब इस हफ्ते में। जैसे हमारे को वहां से उजाड़ा है, जैसे हमारे को वहां से उजाड़ा है ना, हमारे को वैसे बसा के दो। सिर्फ ये बात है, डीसी साहब चाहे माने ना माने, आए ना आए, हमें कुछ नहीं लेना। हमारे को ही सबसे अगर कुछ ना डीसी साहब से कुछ लेना, अगर हमारे को ही सबसे कुछ रिजल्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं हम अगले हफ्ते ना रोड जाम करेंगे।